हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है हमारा बेकमैन रीअरेंजमेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं और घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए इसको सीधे तरीके से पढ़ के ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला है नहीं जब तक कि आप इस टाइप के क्वेश्चन ना बना लीजिए। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको बहुत डीप में पढ़िए और डीप में पढ़ेंगे थोड़ा सा टाइम चाहिए और आप उसके बाद ये सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ आप जो है बिल्कुल फटाफट बनाने लगेंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं अपना बेकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है बेकमैन रीअरेंजमेंट। देखिए, अगर हम बात करें बेकमैन रीअरेंजमेंट की, तो बेकमैन रीअरेंजमेंट का फंडा क्या है? देखिए, यहाँ पर बड़ा आसान है। सबसे पहले आप बेकमैन रीअरेंजमेंट को भूल जाइए, कुछ चीज़ें सीखिए पहले। देखिए, पहले कुछ चीज़ें सीखिए, इसको बेकमैन से मतलब नहीं है। देखिए, ये है आपका एक कीटोन, ये आपका क्या है, कीटोन है। मान लो यहाँ R1 है, यहाँ R2 है। ठीक है, एक आपके पास कीटोन है जिसके पास R1 R2 एल्काइल ग्रुप है और यहाँ C डबल बॉन्ड O लगा है, इसको कहा गया कीटोन। और ये है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्साइन। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं ऑक्साइन। देखिए, ये है कीटोन और ये है हमारा ऑक्साइन। और जब इन दोनों को मिलाकर यहाँ से वाटर निकाल दिया जाए, अब इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, सबको आता है। तो यहाँ पर जो बनता है R1, यहाँ R2 और डबल बॉन्ड NOH, इसको कहा जाता है कीटोक्साइन। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है कीटोक्साइन। देखिए, ये रहा कीटोन, ये रहा ऑक्साइन और इन दोनों को मिलाकर आपका क्या बना? आपका बना कीटोक्साइन। अब आता है बेकमैन रीअरेंजमेंट की बारी। अब बेकमैन रीअरेंजमेंट ये कहता है, देखिए बेकमैन रीअरेंजमेंट ये कहता है कि आपके पास अगर एक कीटोक्साइन है, अगर आपके पास एक कीटोक्साइन है तो उसमें अगर ये चीज़ स्टीरियो क्लियर है कि OH के ट्रांस वाला ग्रुप आपको क्लियर दिख रहा है। देखो, ये OH है, N पे OH लगा हुआ है, इसका अगर ट्रांस वाला ग्रुप आपको क्लियर दिख रहा है तो बेकमैन रीअरेंजमेंट कहता है कि आप कोई भी आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट दीजिए, ठीक है, जो हार्ट आपको वाटर निकाल सके और इसके हेल्प से आप यहाँ पर क्या करोगे, इसके हेल्प से आप करोगे ये कि इस ग्रुप को आप यहाँ पहुँचा दोगे और ये जो ग्रुप है वो इसकी जगह पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये है, ये है आपका बेकमैन रीअरेंजमेंट कि ये R यहाँ आ जाएगा और ये OH यहाँ आ जाएगा। देखिए, तो आपका क्या हुआ, ये OH जो यहाँ आ गया, देखिए ध्यान दीजिए, R2 अपनी जगह पे है लेकिन जो R1 था वो देखिए यहाँ आ गया। और जब आप यहाँ तक ले ही आए हैं तो आपके पास एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, और वो कॉन्सेप्ट है किसका, टॉटोमेरिज्म का। तो जब आप यहाँ तक ले ही आए हैं तो आप बोलोगे सर जब हम यहाँ तक ले ही आए तो फिर टॉटोमेरिज्म क्यों ना करवा दें? हमने बिल्कुल करवा सकते हैं, टॉटोमेरिज्म करवा लो। तो आपको टॉटोमेरिज्म कैसे होता है भाई, याद होगा आपको? देखो, एक स्टेप पहला, दूसरा और ये तीसरा, यही है ना। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन का बॉन्ड पाई बॉन्ड पे आया, सेकेंड में पाई बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन पे गया और थर्ड में वही क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, एच प्लस के पास। तो ये चीज़ आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या हो गया आपको, R2 C डबल बॉन्ड O, ये N और यहाँ एक R1 पहले से था ही और ये जो H था वो भी चला गया यहाँ पर। तो इस तरह से क्या बना आपका, एमाइड बना। आपका क्या बना, एमाइड बना। बेकमैन रीअरेंजमेंट यही है, बेकमैन रीअरेंजमेंट का पार्ट यहीं तक है, उसके आगे टॉटोमेरिज्म खुद ब खुद हो जाता है। ठीक है, टॉटोमेरिज्म उसके आगे खुद ब खुद हो जाता है, लेकिन बेकमैन का जो पार्ट है तो बेकमैन बस यही है प्यारे बच्चे लोग। ठीक है, बेकमैन रीअरेंजमेंट बस यही है, इतना ही है बेकमैन रीअरेंजमेंट। देखिए कि आपके पास एक कीटोक्साइन था और ये OH क्या किया, आपने ट्रांसपोजिशन वाले से क्या हो गया, ट्रांसपोजिशन वाले से क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। ट्रांसपोजिशन वाले से क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। आप बोलोगे कि सर ठीक है, आपने तो ये बात बता दी, लेकिन सर अगर ऐसा हो कि ट्रांस दिखे ना तो क्या करें? हमने हाँ भाई, वो भी एग्जाम्पल है कि ट्रांस दिख नहीं रहा आपको, मतलब जैसे कि ये एग्जाम्पल देखिए, सी, जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखिए, मान लीजिए आपका सी डबल बॉन्ड एन और यहाँ OH है और यहीं पर आपका जो है इसी कार्बन पे एक आपको यहाँ पर दिया हुआ है H भी है और CH3 भी है। अब पता नहीं चल रहा है कि सर ये C से H भी जुड़ा है, CH3 भी जुड़ा है और यहाँ इसके सामने N से OH जुड़ा है, तो यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा, स्टीरियो तो यहाँ क्लियर है ही नहीं कि सर यहाँ पर ये OH किससे रिप्लेस होगा, इसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना होगा। क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है, देखिए, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, लेकिन इससे आगे कौन, फिनाइल और इससे आगे हाइड्रोजन। तो इस ऑर्डर को आपको याद रखना होगा। देखिए, बेयर विनेगर में मैंने क्या बताया था, बेयर विनेगर का ऑर्डर अलग था। देखिए, 3 डिग्री
ग्रेटर देन क्या था, 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन मिथाइल, मैंने ये बताया था। और क्या बोला था कि यहाँ पर आपको बीच में साइक्लोहेक्सेन फिट करना है, साइक्लोहेक्साइल, और यहाँ पर 2 डिग्री के बाद क्या क्या था यहाँ पर, तो बी से बेंजाइल पहले, बेंजाइल के बाद पी से क्या था, फिनाइल था, फिनाइल के बाद क्या था, वी से विनाइल था, और उसके बाद क्या था, 1 डिग्री था, उसके बाद मिथाइल था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये ऑर्डर है, एच ग्रेटर देन फिनाइल, ग्रेटर देन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो आपको बैकमैन रिअरेंजमेंट के लिए याद रखना है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री तो है ही, और इससे आगे एच फिनाइल, इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चे लोग, तो कहने का मेरा सीधा सा मतलब ये है कि अगर स्टीरियो क्लियर नहीं हो रहा, जैसे यहाँ हमें पता नहीं चल रहा है कि इस OH के ट्रांस में कौन है, तो हम बहुत मजे से बोलेंगे कि भैया हमारा एच मिथाइल से कहीं आगे है, इसलिए किसका ट्रांसफर हो जाएगा, तो CH3, देखो C, ये OH आ जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड N, और यहाँ कौन चला जाएगा, तो यहाँ पर H चला जाएगा, और जब यहाँ ऐसा चला गया तो बाकी आपके टोटम तो आपके दाएं हाथ का खेल है। तो CH3, C डबल बॉन्ड O, और ये N, H था ही, दूसरा एच पहुँच गया, देखिए यही है ना, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और क्या बन गया, H, H, ये देखिए MID बन गया। तो सबसे पहले तो अपने आप को रिलैक्स कीजिए कि आप बैकमैन रिअरेंजमेंट सीख चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपको बैकमैन रिअरेंजमेंट समझ में आ गया है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि बैकमैन रिअरेंजमेंट समझने के लिए, बस सिंपल सी बात थी कि ये रहा आपको ये जो OH है, अगर कोई ट्रांस दिख रहा है तो उसे एक्सचेंज कर दो, अगर ट्रांस नहीं दिख रहा है तो फिर ऑर्डर फॉलो करो, एच ग्रेटर देन फिनाइल, ग्रेटर देन 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, जो भी आगे हो उसको क्या करो, एक्सचेंज कर दो, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपका बैकमैन रिअरेंजमेंट का मेन पार्ट था। चलिए अब इसी पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब इसी पे क्या करते हैं, अब इसी पे क्वेश्चन करते हैं। सपोज दैट कि आपके पास एक एग्जांपल है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके पास है Br, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ CH3 डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर दिया हुआ है OH, ये देखिए आपके पास ऐसा दिया हुआ है, तो आप फटाक से क्या करोगे, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि इसको यहाँ ले आइए, और ये ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, मैकेनिन भी बता रहे हैं, परेशान मत होइए, मैकेनिन बता रहे हैं आपको, ठीक है। बिना मैकेनिन के कैसे छोड़ सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको समझना होगा ना, इस पैटर्न को समझना होगा। तो CH3 जा चुका है, OH आ चुका है, डबल बॉन्ड N, और यहाँ क्या आ गया, CH3, और अब क्या करवा दोगे, तो अब आप इसको टॉटोमेरिज्म करवा दो, तो जब आप इसको टॉटोमेरिज्म करवाओगे तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और ये N, और ये H, और ये क्या हो गया, CH3, देखो ये अपनी जगह पे टिका रह गया, बस सिंपल है, यही तो है आपका, है कि नहीं। चलिए इसको थोड़ा नोट कीजिए, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब बारी है इसके मैकेनिज्म को समझने की, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा ये फंडा। अब बारी है इसके मैकेनिज्म को समझने की, क्योंकि बिना मैकेनिज्म समझे चीज़ों को आप कितना एलिबरेट कर सकते हो। सपोज दैट आपके पास ये रहा R1, ये रहा R2, डबल बॉन्ड N, और N में क्या हो गया यहाँ पर, OH, और ये रहा लोन पेयर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आपको बात आ गई, इसको हम देखिए कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे सकते हैं, कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसको दे सकते हैं। सपोज करो कि हमने H2SO4 दिया, तो भैया H2SO4 देंगे तो H2SO4 से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा। अब जैसे ही H+ निकलेगा तो ये लोन पेयर क्या करेगा, जाके इसको ग्रैब कर लेगा, ये वाला OH वाला। तो क्या हुआ देखो, तो R1, R2, डबल बॉन्ड N, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ OH2+ हुआ, ठीक है। अब यहाँ तक हम लेके आ गए, अब समझो बात को कि जब यहाँ पर ये लेके आ गए तो क्या होगा, इसको निकलना पड़ेगा। जैसे ही निकलेगा प्यारे बच्चे लोग, तो यहाँ पर ये जो बना, इस पोर्शन का बना होना बहुत ज़रूरी है, आप इस पोर्शन को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नाइट्रोजन का दिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये बैकमैन रिअरेंजमेंट के मैकेनिज्म का पार्ट है। मैकेनिज्म का पार्ट है कि भाई जो कार्बन है वो ट्रांसपोजिशन से, या कोई कार्बन है या कोई ग्रुप है वो क्या करता है, आपको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नाइट्रोजन पर ट्रांसफर होता है। ये पार्ट है बैकमैन रिअरेंजमेंट का, कि यहाँ पर जो भी ग्रुप है वो क्या करेगा, कार्बन को छोड़ के वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नाइट्रोजन पर जाएगा। इसलिए आप इसको स्किप मत कीजिएगा, मतलब ऐसा मैंने एक दो जगह देखा, उसने क्या किया है कि उसने सीधे यहाँ से R1 को ले गया और OH को यहाँ से क्या किया, ऐसे सब्स्टिट्यूशन हटा दिया। ये गलती आप मत कीजिएगा, आंसर में बदलाव नहीं आएगा लेकिन
प्रोसेस भी तो कोई चीज़ होती है, तो आपको ये वाला पोर्शन दिखाना होगा। और चूँकि नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, अब आप यहाँ से R1 को ले जाइए जो उसका ट्रांसपोजिशन पे था, और ले जाके अटैक कराइए। हाँ, ये बात है कि विद इन सेकेंड अटैक करता है, टाइम नहीं लगाता है, तभी तो यही जाता है, अदरवाइज ये नहीं चला जाता। इस लोन पे आके क्या होता है, जैसे ये अटैक करता है तो ये लोन पे इधर जाता है और तुरंत क्या करता है, ये उस पर अटैक कर देता है। तो आपके पास क्या बना, गौर से देखिए, R2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आपके पास क्या हो गया, तो ये आपको अटैक किया, यहाँ पर R1 अटैक हो गया, अब लोन पर बचा, ठीक है। और यहाँ पर कौन आ चुका है, तो यहाँ पर देखिए कौन सी जगह बन गई, तो यहाँ पर खाली जगह बन चुकी है, गौर से देखिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर खाली जगह बन गई, तो चूंकि खाली जगह बन गई तो आपने यहाँ पर H+ देखिए OH को हटाया था, अब यही OH क्या करेगा, वापस यही जो H+ H2O था यही OH- घूम के वहाँ आ जाएगा, देखिए यही जो OH है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि H2 उसको ले गया था, लेकिन वो OH- क्या था, यहाँ घूम के जैसे ही ये ट्रांसफर होकर यहाँ आया, इस OH- ने यहाँ क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब जैसे ही अटैक किया प्यारे बच्चे लोग, तो क्या हुआ, R2 N R1 और यहाँ पे क्या हो चुका है, OH आ गया। अब जैसे ही OH आ गया, चूँकि प्लस था, प्लस पे OH आ गया, और अब हम तुरंत क्या करते हैं, इसको टॉटोमराइज कर देंगे। अब जैसे ही टॉटोमराइज करेंगे, देखो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, पता है ना आपको, R2 C डबल बॉन्ड O N R1 और ये H2 बन गया। तो इस तरह से जो आपका प्रोडक्ट था वो क्या बन गया आपको, आप चाहे तो यहीं छोड़ सकते हैं इसको, और या चाहे तो आप टोटोमराइज करके इसको क्या कर सकते हैं, इसको आगे ले जा सकते हैं, आपकी मर्जी है, अपनी श्रद्धा है आपकी, आप जैसा करना चाहें, समझ रहे हैं बात को, तो आप ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, चलिए ठीक है। अब बोलोगे सर जैसे कोई एग्जांपल दिया रहा है, सर ठीक है आपकी बात तो समझ गया कि H2SO4 ने ये काम किया, लेकिन यही काम और भी ग्रुप कैसे करते हैं सर, जैसे कि आपने सर यहाँ पर, आप यहाँ पर सपोज करो सर आप ले लेते हो SOCl2 ले लेते हो, तो कैसे होगा, हम लोग बिल्कुल ले सकते हैं, SOCl2 ले सकते हैं, PCl5 ले सकते हैं, POCl3 ले सकते हैं, SO3 ले सकते हैं, कोई भी ग्रुप ले सकते हैं जो एसिडिक बिहेवियर का हो और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो। तो अब जरा गौर से देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये चीज़ था बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, SNI, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। अब आपको क्या हो जाएगा, ये यहाँ आया तो क्या हो गया आपको, देखिए ये पोर्शन जो था यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, क्या बना, देखिए ये ऐसे यहाँ पर N, अब N से क्या हो गया, O S डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। और अब यहाँ चूंकि आया तो अब ये पोर्शन ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा, इसको टूटना होगा, यहाँ से इस पोर्शन को क्या करना होगा, टूटना होगा। तो जब ये पोर्शन जैसे ही टूटेगा तो देखिए तो क्या हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड N पर क्या आ गया, प्लस आ गया। अब देखिए SOCl2 चला गया, ये वाला पोर्शन यहाँ से हट गया, ठीक है। अब ये पोर्शन यहाँ से हट गया, SNI नहीं था यहाँ पर, नॉर्मल था, खींचा HCl निकला और OH इससे जुड़ गया था, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड N पे कोई ग्रुप अटैक करके इसको नहीं निकालेगा यहाँ से। अब देखो यहाँ N पे प्लस आ गया, जैसे ही N पे प्लस आ गया, आपके दिमाग में सवाल उठा कि भाई अब क्या किया जाए, तो अब ये किया जाए कि या तो आप बॉन्ड को इधर से तोड़ के अटैक कराइए इस पर, यही होता है ना, यही तो होता है कि भाई आपने N को हटा, N पे प्लस ला दिया, अब N के इस साइड में जो कार्बन है उस कार्बन से जो दो ग्रुप जुड़े हैं, अब उसको अपनी जिम्मेदारी निभाने दीजिए। देखिए ना, जैसे आपने एक बार क्या किया है कि आपने N से ग्रुप को हटाया है, जब आपने क्या किया N से ग्रुप को हटाया, अब दूसरी बार में जब आप N से हटा दोगे तब इधर वाले को चांस दोगे ना जी जाने का, इधर वाले को चांस दोगे ना जाने का, बिल्कुल देना पड़ेगा। अब चूंकि चांस देना पड़ेगा तो यहाँ पर तो ट्रांस जैसा कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये जाएगा कि ये जाएगा। अब सोचो ना, खुद सोचो कि आपको क्या यहाँ पता चल रहा है कि इस N के इस साइड वाला टूट के जाएगा या इस साइड वाला टूट के जाएगा, तो तुरंत आपके दिमाग में सर देखो सर ये वाला कौन है, ये वाला 3 डिग्री है सर इस साइड वाला, और इस साइड वाला कौन है सर 2 डिग्री है सर, तो अभी आपको जस्ट पढ़ेगी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री, तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए कौन टूटा, तो ये 2 डिग्री नहीं बल्कि 3 डिग्री टूटा, और इसने जाके क्या किया N पर कब्जा कर लिया। देखिए इसने क्या किया N पर, इसने N पर कब्जा कर लिया। अब जैसे इसने N पर कब्जा किया, देखिए बात समझिए, इसने N पर कब्जा किया और इससे यहाँ जो जगह खाली हुआ इस पर कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। देखिए एकदम रिलैक्स हो जाइए, आप थोड़ा सा भी इम्पेशेंस होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखिए 4 मेंबर था, 5 मेंबर हो गया, और मैंने क्या बोला कि जैसे ये हटेगा भैया, इधर का जो OH था वो यहाँ के लगेगा ना, इस पोजीशन पे तो लगेगा ना, तो इस पोजीशन पे क्या हो गया, OH आके लग गया।
देखिए इस पोजीशन पे क्या आ गया, OH आके लग गया। इससे डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, डबल बॉन्ड अपनी जगह पर है। और चूंकि अब यहाँ तक ले ही आए हैं तो अब क्या करोगे, टॉटोमराइज कर दो, काम खत्म। अब क्या करो, इसको टॉटोमराइज कर दो। तो टॉटोमराइज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये देखो, ये बताइए। हाँ यहाँ H लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए आप समझे नहीं इस चीज़ को, दोबारा समझिए, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोग के दिमाग में ये चीज़ बैठी नहीं, इसको दोबारा से समझिए। देखिए समझिए बात को, देखिए रिलैक्स हो जाइए। एक बार में चीज़ें कभी समझ में नहीं आती, मुझे पता है। इसको हमने क्या किया, SOCl2 दिया, एकदम रिलैक्स हो जाइए। इसको हमने क्या किया, इसको हमने SOCl2 दिया। देखिए S डबल बॉन्ड O, यहाँ Cl, यहाँ Cl, इसने यहाँ पे अटैक किया, ऑब्वियस सी बात ये निकला ना। तो इसके एवज में क्या बना भाई, देखो डबल बॉन्ड N, इस N से क्या जुड़ा है, SO2 जुड़ा आपको, यहाँ से क्या जुड़ा, SO आपको, ये N से क्या जुड़ा, OSO2Cl, देखो ये जुड़ा इसमें। चलो यहाँ तक तो बात ठीक है। अब इसके बाद जब जुड़ेगा तो इसको हटना पड़ेगा इसको, क्योंकि आपको पता है कि आपको डिफिशियंट नाइट्रोजन बनाना ही होगा, आपको पॉजिटिव चार्ज डिफिशियंट नाइट्रोजन हर हाल में बनाना होगा। चलो बना दो। तो जैसे ही आपने बनाया, बहुत खुशी की बात है, आपने N प्लस लेके आ गए। अब चूंकि N प्लस आ चुका है, अब बारी इधर वालों की है। अब ये वाले लपक के उस पे जाएंगे और जो OH माइनस जो निकला था वो घूम के इधर आएगा, भैया यही तो था बैकमैन रिअरेंजमेंट, क्यों भूल रहे हैं, मुझे सब दिख रहा है आपको कि आपको परेशानी हो रही है। क्लियर वे में समझिए, अरे भैया आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ था, हमने सीधे OH को निकाला और इधर वाले किसी एक को लेके आ गए, देखो इधर वाले किसी एक को लेके आ गए, और जैसे ही लेके आए तो यहाँ जो जगह खाली हुआ, जो OH माना था वो जाके हमला कर दिया वहाँ पर। इसी बात को तो मैं समझा रहा हूँ आपको, आप समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। देखिए मैंने क्या बोला कि भैया जैसे ही आप तोड़ के निकालो, एम पे प्लस आया। अब जब एम पे प्लस आया तो भैया या तो इधर टूटेगा या तो इधर टूटेगा। अब इधर वाला टूटेगा क्योंकि 3 डिग्री है, इधर वाला नहीं टूटेगा क्योंकि 2 डिग्री है, क्योंकि सीस ट्रांस पता नहीं चल रहा है यहाँ पर। तो जैसे ही 2 डिग्री के बदले 3 डिग्री आपने तोड़ा, आप इसको मत तोड़िए, आप इसको ये 2 डिग्री मत तोड़िए, 3 डिग्री को तोड़िए। तो आप 3 डिग्री को तोड़े, देखो आप 3 डिग्री को तोड़े और तोड़ के क्या करवा दी, नाइट्रोजन पे अटैक करवा दी, होता है ना, टूट के अटैक कर दिया जाके। अब जैसे ही अटैक किया तो गौर से देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, उधर OH माइनस ने स्माइल करना स्टार्ट किया, अच्छा मेरा शिकार तैयार है, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो 4 मेंबर्ड को, क्योंकि इससे नाइट्रोजन डायरेक्टली जुड़ा तो 5 मेंबर्ड, और अपना डबल बॉन्ड से कोई छेड़छाड़ नहीं किया है देखो, लेकिन डबल बॉन्ड पे कौन सा चार्ज आ चुका है, प्लस आ चुका है। और इस प्लस को देखते ही किसने हमला कर दिया यहाँ पर, OH माइनस ने। OH माइनस बोला रे मेरा जगह खाली हो गया, और OH माइनस ने यहाँ क्या कर दिया, हमला कर दिया। जैसे OH माइनस ने हमला किया, आपको कहानी अब आपको आगे बढ़ानी होगी। देखो चूँकि OH माइनस ने हमला कर दिया, आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो ये बना, देखो चूंकि OH, और चूंकि यहाँ डबल बॉन्ड अपनी जगह पे है, अब आप क्या कराओगे यहाँ पर, तो टॉटोमेरिज़म करा दोगे, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए छोटे बच्चे भी ये वाला काम कर लें। अब चूंकि सीधी बात है, यहाँ टॉटोमेरिज़म कराओगे आप, ये यहाँ और ये यहाँ, तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए तो ये बनेगा आपके पास, देखिए ये प्रोडक्ट बना आपका, आई बात समझ में। तो इस तरह से आप क्या करते हैं कि यहाँ पर टॉटोमेरिज़म की हेल्प से आपने यहाँ पर क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। चलिए अब चलते हैं वापस अपने क्वेश्चंस पे, बैकमैन रिअरेंजमेंट खत्म हो चुका है, अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करो, देखो जैसे इसको दिया गया H2 और निकेल, देखिए पहला स्टेप में इसको बच्चे ध्यान दीजिए, बिल्कुल पैसेंस नहीं लूज करना है, ठीक है। देखिए इसको हमने H2 और निकेल दिया, जैसे ही H2 और निकेल दिया इसका पाई बॉन्ड हट जाएगा, नहीं हटेगा भैया, इसका पाई बॉन्ड क्या हुआ, इसका पाई बॉन्ड हट जाएगा, ये देखो इसका पाई बॉन्ड यहाँ हट गया, OH एज इट इज रह गया। दूसरा कह रहा है कॉपर और हीट, जैसे ही कॉपर और हीट देंगे तो ये OH ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आपको तो पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉपर के प्रेजेंस में क्या होता है कि जो OH होता है वो ऑक्सीडाइज होकर डबल बॉन्ड O हो जाता है। NH2OH क्या कह रहा है, NH2OH, अब जैसे ही NH2OH दोगे, आपको याद कीजिए स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, ये देखिए कीटो और ऑक्साइन क्या बनाया, कीटो ऑक्साइन देखो क्या बनाया, डबल बॉन्ड N और ये OH, और अब बोल रहा है H+ देने के लिए, दे दो H+,
स्ट्रेस दोगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है एकदम रिलैक्स हो जाइए प्यारे बच्चे लोग, ये OH जाएगा यहाँ तो OH पे प्लस आएगा, इसको निकलेगा तो यहाँ प्लस आएगा। अब इस प्लस को चूंकि दोनों साइड इक्वल है ना, कोई भी एक तोड़ के जाके दे देगा, तो ये जो रिंग था, देखिए ये जो रिंग था ये कितना 6 मेंबर था ना, अब ये रिंग 7 मेंबर रिंग बन गया। गौर से देखिए N, और ये रिंग जो डबल बॉन्ड था उसी रिंग में फ्लैट हो गया। भैया यहाँ से तोड़ो तोड़ के अटैक कराओ तो क्या बना, देखो तो देखो कितना मेंबर बना, 7 मेंबर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर बना, और 7 मेंबर बनते के साथ यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो इस OH माइनस का अटैक यहाँ पे आ गया। देखिए समझिए बात को कि इस OH माइनस का अटैक क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही OH का अटैक आया तो अब आपके पास कहानी क्या बची कि भैया टोटोमेराइज करा दो। कैसे टोटोमेराइज कराओगे, जगह देख रहे हो ना कम है जगह, गुस्सा मत करना, तो यहीं पर ट्रस्ट टोटोमेराइज करा दो। बस इसको हटाओ, इस पाई को हटाओ और यहाँ पर डबल लगा दो इस तरह, ये देखो, और एन पे एच लगा दिए, काम खत्म है, हो गया। देखिए ये क्वेश्चन CSIR का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, CSIR का ये पूछा हुआ, 2 नंबर का मार्क्स में पूछा था ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो बताइए प्यारे बच्चे लोग समझ में आया, अब बाकी को करते हैं, ठीक है। इसको हटा दो, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए इस क्वेश्चन का। चलो हट गया, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। H2SO4 दिया भैया, H2SO4 के अंदर से क्या निकला, H प्लस निकला, इसने अटैक किया और OH2+ बना के निकाल दिया, काम खत्म है। अब इसके कारण क्या बना प्यारे बच्चे लोग, तो इसके कारण ये बना डबल बॉन्ड N, और डबल बॉन्ड N पे प्लस, और यहाँ पे CH3, और जब यहाँ तक आप बना ही लिए तो अब क्या करोगे भाई, अब चूंकि N पे तो प्लस आ गया, OH माइनस यहाँ पे वेट कर रहा है कि जल्दी से छोटा सा अपना रिप्लेसमेंट करे ताकि हम अटैक करें। OH माइनस वेट कर रहा है तो इसने क्या किया, बोला कि भैया देखो इधर 2 डिग्री इधर 3 डिग्री, कोई डिस्टेंस पता नहीं चल रहा है, ऐसे पता भी चल रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, दिख रहा है ट्रांसिस में, तो इसने यहाँ से खोला और यहाँ ले जाके अटैक कर दिया। तो देखो जो 6 मेंबर रिंग था वो क्या हो गया, 7 मेंबर हो गया। देखो ध्यान दो, N कितना हो गया, देखो तो 7 में 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर हो गया, और चूंकि इसी साइड से अटैक किया तो यहीं पर क्या होगा, मिथाइल भी होगा, और चूंकि यहाँ पे प्लस आया होगा, देखो इस एन के इस साइड में यहाँ पे प्लस आया होगा, तो प्लस आएगा तो प्लस पे कौन अटैक कर देगा, आपको पता है कि प्लस पे कौन अटैक करेगा, OH। और जब यहाँ तक आप ले ही आए तो OH का भी काम खत्म हो गया, और जब OH का काम खत्म हो गया तो अब आपके पास क्या बचा है, अब आपके पास बचा है टोटोमेरिज्म करा देना, डबल बॉन्ड N, देखो यहाँ मिथाइल, और यहाँ पर जो OH था अब वो टोटोमराइज हो चुका है, अब टोटोमराइज होके देखो डबल बॉन्ड N O, और यहाँ पे क्या हो गया H, लीजिए आई बात समझ में, बताइए ऐसे तो छोटा बच्चा ही बना ले इस क्वेश्चन को, क्या समझे है कि नहीं। चलिए तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं उस क्वेश्चन पे, आ जाओ भैया तुम लोग इधर, बहुत देर से उधर वनवास में थे। चलो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करें भाई बहुत आसान है। सबसे पहले तो H2SO4, आप बोलो सर H2SO4 मैंने क्या क्लियर बोला, H2SO4 H2SO H2SO4 दे सकते हैं, POCl3 दे सकते हैं, ठीक है SO3 दे सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई और यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आप एक बच्चा बोला, आप में से किसी के दिल से आवाज़ आ रही है कि सर हम H2SO4 यूज़ नहीं करेंगे, काम करो सर POCl3 यूज़ करके दिखा दो, कैसे करूँगा कि दिखाना क्या है इसमें, ये लो। चलो इस OH का सबसे पहले अटैक कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, Cl भाग जाएगा, भागने दो, कौन सा हमारे घर का दामाद है जो परेशानी होगी। चलो डबल बॉन्ड N, ये O, और इस O से कौन जुड़ा भाई, O से P डबल बॉन्ड O, Cl यहाँ तक आ गए। चलो ठीक है भाई, यहाँ तक हम ले आए, अब क्या किया जाए, इसको तो जाना पड़ेगा, इसको तो जाना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं तो हम करवा नहीं रहे कि वापस से यहाँ Cl को घुमा के यहाँ अटैक करवा दें। चलो यहाँ पे क्या हो गया, N पे क्या आ गया, प्लस आ गया। अब जैसे ही N पे प्लस आया अब आपकी बारी आ गई क्या करने की, अब इसको इस बॉन्ड को ब्रेक करने, किसको तोड़िएगा, इधर 2 डिग्री इधर 3 डिग्री किसको तोड़िएगा, इसको तोड़िए ऐसे और यहाँ पे अटैक करा दीजिए, तो क्या बना, ये 5 मेंबर रिंग अपनी जगह रहा, वो रिंग 6 मेंबर बन गया।
ये देखिए, और चूंकि इस जगह पे प्लस आया तो प्लस पे कौन आ गया, यहाँ प्लस आएगा ना भैया, यहाँ जो बॉन्ड टूट रहा था यहाँ प्लस आएगा ना, इस प्लस का फायदा उठाते कौन घुस जाएगा यहाँ पर, OH। और जब यहाँ तक आप ला ही चुके हैं तो क्या करा दो, टॉटोमेरिज्म करा दो, इसको हटाओ ही सबको, अब इसको क्या करा दो, टॉटोमेरिज्म करा दो। तो टॉटोमेरिज्म कैसे होगा भाई, देखो ये यहाँ एक, यहाँ दो और यहाँ तीन, तो क्या बना आपके पास, देखो देखो डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे क्या हुआ एच, लीजिए इस तरह से, आई बात समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन है लास्ट, इसको भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक अलग से कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल के आएगा, अब यहाँ पर जो एक अलग कॉन्सेप्ट आपके सामने यहाँ पर निकल के आएगा, देखिए क्या कॉन्सेप्ट निकल के आएगा बता रहा हूँ मैं आपको, मिटा दो इसको ये वाले सब, हट जाओ। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें टूटने वाला जो है ना ये 3 डिग्री नहीं है, ये 3 डिग्री से भी ऊपर है, ये क्या हो गया, ये 3 डिग्री नहीं है, ये 3 डिग्री से क्या हो गया ऊपर है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, समझने वाली बात है, देखिए चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ फ्रेगमेंटेशन का केस आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन का केस आया, कैसे आया फ्रेगमेंटेशन आके, समझिए बात को। सबसे पहले मान लो हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको SO3 दे दिया है, क्या दे दिया हमने इसको, SO3 दे दिया। मैंने क्या बोला, आप कुछ भी दे सकते हैं, PCl5, POCl3, H2SO4, H+, SO3। तो अब मान लो यहाँ दे दिया, तो सबसे पहले तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, तो ये यहाँ टूट गया हुआ, तो क्या बना भाई, यहाँ रहने दो इसको, डबल बॉन्ड N, ये O, इस O से कौन जुड़ा, SO3 जुड़ने दो उसको, उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे N पे प्लस है, ये ज़्यादा दिखेगा नहीं, इसको जाना पड़ेगा, यहाँ से चला गया। अब क्या हुआ यहाँ, देखिए गौर से देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, डबल बॉन्ड N पे क्या हुआ, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, और यहाँ 2 मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर N पे प्लस आ गया और यहाँ 2 मिथाइल लगा हुआ, अब जरा गौर से देखिए, अगर ऐसा हो गया तो अब आपको ऑब्वियस सी बात है, गौर से देखिए, ये जो डिग्री है इससे ज़्यादा हायर डिग्री यहाँ पर है, देखिए ना, यहाँ तो कम से कम एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ तो हाइड्रोजन तक नहीं है, इसका मतलब यहाँ वाले की डिग्री क्या हो गई, यहाँ वाले की डिग्री आपको ज़्यादा हो गई। देखिए ये जो केस हो गया ये बड़ा स्पेशल केस हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो ये है ना, ये कार्बन, इस कार्बन की डिग्री जरा गौर से देखिए तो आपको ये यहाँ पर हाइड्रोजन भी दिख जाएगा, देखिए यहाँ तो मैंने क्या बोला, यहाँ हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन भी नहीं है, तो और इससे ज़्यादा हाइयर डिग्री है। तो इस केस में थोड़ा सा बदलाव आएगा, बदलाव क्या आएगा कि इस बॉन्ड को आपको ऐसे तोड़ना है, जब बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ लाइए, यहाँ N पे प्लस, यहाँ कार्बन पे माइनस, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ आ गया प्लस, अब उल्टा हो गया, अब OH- यहीं अटैक करेगा, अब OH- यहीं अटैक करके 3D अल्कोहल बनाएगा, और ये जो माइनस है ये माइनस यहाँ जाएगा, ताकि प्लस माइनस बराबर हो सके, मिल सके, और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो क्या बना, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ऐसा बना, देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ OH लग गया, देखिए तो ये बन जाता है आपका। और ये तभी बनता है जब यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, देखिए आप अगर यहाँ बॉन्ड को ब्रेक भी करते तो बॉन्ड टूटने के बाद इन दोनों पे प्लस आता, इन दोनों पे, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता ना। देखो अगर आप यहाँ से इस बॉन्ड को मान लो तोड़ते भी तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आता, यहाँ आता, ये तो रहता नहीं, अरे भैया ये पॉजिटिव चार्ज रहता, ये नहीं रहता, पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहता इस जगह पे, तो क्या होता, वो तो 2 डिग्री होता ना, लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जरा गौर से देखिए वो 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उस पॉजिटिव चार्ज को घुमा के अपने एटम पे अटैक नहीं करवाएंगे। और ऐसे केस में आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप रेडिकल जनरेट करके यहाँ पर आप फ्रेगमेंटेशन करवाएंगे, ये टुकड़ा टूट के उससे वापस नहीं जुड़ेगा, वो अलग रह जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा, OH- का अटैक हुआ और इस तरह से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो जब इस तरह से 3 डिग्री कार्बोकैटायन का केस आने लगे तो बेकमैन रीअरेंजमेंट में आप संभल जाइएगा और इस टाइप से प्रोडक्ट बनाइएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।